सुगरमंगला। देखो ए गेस, टू बी प्लस सी। 11th वाला वही बच्चा अटेंड करेगा जिसने लेक्चर कम से कम दो कर रखे हैं स्टार्टिंग में। सर ये बोल कौन से वाली क्लास है? ये गर्ल, तेरी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर ये मोल कंसेप्ट वाली क्लास गर्व क्या कह रहे हैं? है? सर ये मोल कंसेप्ट वाली क्लास नहीं, काइनेटिक्स लिखा था मैंने, काइनेटिक्स है। ओके से। ए गिव्स टू बी प्लस सी, इनिशियल प्रेशर ऑफ, नोट करेंगे, लिखते रहेंगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 mm बिकम्स, सर स्कीमा ग्रुप पे रिकॉर्डिंग जरूर डाल देना इसका लेक्चर। हाँ, बिकम्स 400 mm आफ्टर 20 मिनट्स। इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 mm बिकम्स 400 mm आफ्टर 20 मिनट्स। एट से 727 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन रिएक्शन निकालना है इन मोलर सेकंड इनवर्स एंड एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। मोलर सेकंड इनवर्स एंड एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ऑल्सो कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट के, ऑल्सो कैलकुलेट के। एक बार क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे फिर करना आगे। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे। रिएक्शन है ए गिव्स टू बी प्लस सी, ये रिएक्शन लिखी है। इनिशियल प्रेशर, ये क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 mm बिकम्स 400 mm आफ्टर 20 मिनट्स एट 727 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर सेकंड इनवर्स एंड एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ऑल्सो कैलकुलेट के, रेट कॉन्स्टेंट निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट के, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है कि नहीं? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 11th वाला जो भी बच्चा अटेंड कर रहा है, अगर उसने काइनेटिक्स के स्टार्टिंग के दो लेक्चर किए हुए हैं उसी को समझ आएगा। 11th वाला कोई भी बच्चा कर रहा है, अगर उसने काइनेटिक्स के स्टार्टिंग के दो लेक्चर किए हुए हैं तो ही समझ आएगा। करो उस क्वेश्चन को जल्दी, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फिर मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। यहां लिख देना रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। गर्व यस सर, सोच पा रहा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। क्रेश है एक्सक्यूज क्लास में? गर्व मेरे को रिकॉर्डिंग, गर्व रिकॉर्डिंग भेज देना। ये क्रेश मी सर, यस नहीं है क्लास में?
इशिता क्या कह रहे हो? इशिता सर एक्स निकाल के 150 आ रहा है, वो पॉसिबल कैसे है? दोबारा बोलो। सर जब मैंने निकाला एक्स मतलब कितना अमाउंट चला गया तो वो 150 आ रहा है। 50 आ रहा है? 150 इशिता जो आ रहा है ना तुम निकाल लो, मैंने डेटा जो है अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही दे दिया, पता है ना तुम्हें, तो ओके इसलिए अभी जो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कोई, मेरे को कंसेप्ट चेक करना है, मेरे को कंसेप्ट चेक करना है, तो एक बार मैं बता दूं आंसर की, ट्राई करना है अभी। सर हो गया बस 1 मिनट। चलो एक बार नोट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन की लाइन रब कर रहा हूँ। देखो इनिशियल प्रेशर इशिता 760.2 सेकंड मिनट, चलो 5/760.2 चाहिए, चित्रांश 15/40, एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं आंसर। जिसने देखो 11 वाला बच्चा वही अटेंड करे जिसने स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर कर रखे हैं काइनेटिक्स के, ये चैप्टर कर लोगे तो फायदा ही होगा, अगर टाइम है तो जरूर कर लो। मेरे को एक टॉपिक कराना है ऑर्गेनिक के लिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है वो करवाना है, अगर तुम्हें पूरा चैप्टर करना है पूरा कर सकते हो, बेनिफिट मिलेगा काफी ज्यादा। देखो इनिशियल प्रेशर था 100 mm और वो हो गया है 400 mm आफ्टर 20 मिनट्स, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ से, देखो पहले 100 था, एक मिनट थोड़ा सा और ले, पहले 100 है, ये 0 0 होंगे, 100 20 मिनट के बाद, ध्यान रखना 20 मिनट के बाद इसमें से x गया, ये a तो ये a माइनस x, चाहे प्रेशर में लो या कंसंट्रेशन में, ये बनेगा 2x, ये बनेगा x, ये 2x बनेगा, ये x बनेगा। अब इसने बोला आफ्टर 20 मिनट्स टोटल प्रेशर इज 400 mm, तो यानी 100 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, 100 माइनस x प्लस 2x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 400, ये 400 के आसपास आ जाएगा, ये 400 के आसपास आ जाएगा, तो इसमें आप क्या करेंगे आगे, अब इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, x की वैल्यू चेक करो एक बार, 100 प्लस 2x 300 बाई 2 150 आ गई, अब ये x की वैल्यू गलत आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 150 आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, इसको 400 से निकाला ना 150 आ गई वैल्यू। चलो ये इशिता ने किया था, इशिता का सही था बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको हम कर देते हैं 250, इसको 400 की जगह 250 कर देना है, अब इशिता सही आ जाएगा क्या? यस सर। इशिता यस सर, यस सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? अब इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इशिता? इशिता वॉइस क्लियर नहीं है, ये एक्स हट जाएगा, ये एक्स था, ये x और ये x कैंसिल, 100 प्लस 2x 250, ये x की वैल्यू 75, x आ गया 75, तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे, रेट होगा dP by dt, पहले 100 में प्रेशर है, पहले 100 में प्रेशर है और अब 100 माइनस x है, तो क्या आ जाएगा dP, कितना हो गया x हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे, 75 अपॉन में dt है 20 मिनट्स, 20 into 60 और प्रेशर जो है वो 75 दे रखा है, 75 किस में है, वो 75 है मिलीमीटर में, एक मिनट कहेंगे 20 into 60 आ जाएगा प्रेशर, 75 बाय
760 ले लेना, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। देखो डीपी बाई डी टी है, डीपी कितना हो गया एक्स, एक्स यानी 75/760 एटमोसफेयर में आ गया, और डी टी कितना है 20 मिनट्स, 20 × 60 ये आंसर आ गया एटमोसफेयर सेकंड इनवर्स में, ये आंसर आ गया एटमोसफेयर सेकंड इनवर्स में डीपी बाई डी टी। और अगर तुम्हें इसको निकालना है कंसंट्रेशन में तो पी इज इक्वल टू सी आर टी, सबको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी जो होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी लगाएंगे सी आ जाएगा पी बाय आर टी, सी आ जाएगा यहाँ से पी बाय आर टी, पी की वैल्यू दे रखी है 75/760, आर की वैल्यू पता है तुम्हें 0.0821, और टी की वैल्यू, टी की वैल्यू 727 डिग्री सेल्सियस था यानी 1000 केल्विन, इंटू आर इंटू टी है 1000, 10^3, 10^3, यहां से सी आ जाएगा मोलर में, यहां से सी आ जाएगा मोलर में, उसके बाद रेट आ जाएगा डीसी बाई डी टी, रेट निकाल लेंगे डीसी बाई डी टी आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? अब एक के और निकालना है, रेट निकल चुका है दोनों टर्म्स में, डीएक्स बाई डी टी में भी यानी कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी और प्रेशर के टर्म्स में भी, एक निकालना रेट कांस्टेंट, एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये क्लियर हो गया जल्दी से। सर एक बार सी दोबारा बता। दिया तुमने लेक्चर्स किए हैं काइनेटिक्स के कि नहीं? सर एक दिया या तो दिया तुम मत अटेंड करो ये, तुम 10th में हो अभी, तुम अभी मत करो अटेंड इसको। ओके हाँ हिमांशी, अर्शी, इशिता, अर्जुन, हिमांग, चित्राक्ष, अदिति, दृष्टि, मनन, हितेश, गर्व, सौम्या, खुशाल, मानसी, जिया, तरुण, लक्ष्य, कीर्ति, सचित, गर्व सिंगल, तान्या, दिव्यांशी, युग, युग, युग तेरे को भी, तेरे को समझ आ रहा है युग तो करना नहीं तो नहीं, आर्यन, मनी, ये काइनेटिक्स का चैप्टर है 12th क्लास का, अगर तुमने पढ़ रखा है तो ही समझ आएगा, थोड़े दिन अटेंड करनी क्लासेस ताकि रिएक्शन एक मैकेनिज्म और रिएक्शन एक टॉपिक खत्म हो जाए। विधि सिंगल को समझ नहीं आया, वैभव को समझ नहीं आया, विधि सिंगल और वैभव सर थोड़ा सा है। एक बार तुम लोग काइनेटिक्स के पहले दो लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं उसको, 100 mm था इनिशियल प्रेशर, 100 mm है इनिशियल प्रेशर जो कि फाइनली क्या हो गया 250 mm, कितना हो गया 250 mm, तो 100 में से x गया, a का प्रेशर x कम हुआ टाइम के साथ साथ 20 मिनट के बाद, 2x ये बनेगा, x ये बनेगा, टोटल हो गया 250, x की वैल्यू आ गई 75। हिमांशी कुछ बोलना है क्या? नो सर तो रेट आ जाएगा डीपी बाई डी टी, डीपी यानी चेंज इन प्रेशर, पहले प्रेशर 100 था अब प्रेशर 100 - x है, तो डिफरेंस कितना आया x का, तो x की वैल्यू 75/760 एटमोसफेयर में आ गया, 20 था मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई किया आ गया सेकंड्स में, तुम इधर भी डिफरेंस निकालोगे तो सेम आंसर आएगा रेट का, इधर डिफरेंस आएगा 2x का, लेकिन जब इसका रेट लिखोगे तो उसकी कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो उसकी कोफिशिएंट से डिवाइड करना 1/2 × 2x यानी वो x ही बन जाएगा, कहीं भी निकाल लो तुम सेम आएगा रेट, रेट हमेशा सेम होता है रिएक्शन का। अब उसके बाद ये था एटमोसफेयर सेकंड इनवर्स में, अगर मेरे को इसी को निकालना है मोलर सेकंड इनवर्स में तो पी इज टू सी आर टी फॉर्मूला लगाना, पी इज टू सी आर टी, इससे सी निकाल लेना, सी आ जाएगा पी बाय आर टी, सी आ जाएगा पी बाय आर टी, पी की वैल्यू निकाल ली 75/760, आर 0.0821, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस था, 1000 केल्विन हो जाएगा, 1000 केल्विन हो जाएगा, तो उसका रेट निकाल लेना डीसी बाय डी टी, डीसी यही सी है, डीसी यही सी है, और डी टी तुम्हें पता है क्या है टाइम 20 × 60। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर अब इसमें के निकालना है, के का फॉर्मूला याद है किसी को क्या था? सर रेट इज इक्वल टू एक्स के बाय इनटू के पर था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय टी, याद आ गया कि नहीं, या एक्स बाय टी डायरेक्ट, यस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना है 100 - x, तो एक्स बाय टी आ गया कि नहीं, एक्स कितना है 75/760,
और टाइम नीचे आएगा 20 into 60, या डायरेक्ट आंसर आ जाएगा के का, के का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में 75/760 अपॉन में ही 20 into 60 into 60 मैंने लिखा नहीं है, स्पेस कम है इसलिए, क्लियर है कि नहीं? के निकालना समझ आ गया कि नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, जल्दी से नोट करना है। ए गिव्स, या टू ए लिख लो, टू ए गिव 3b+ से c/2, ए गिव्स 3b, ए इजी करो, ए गिव्स 3b+c/2, ए गिव्स 3b+c/2, इनिशियल प्रेशर ऑफ से इसमें ले लेते हैं हम 50 mm, 50 mm इनिशियल प्रेशर है, बिकम्स से 150 करते हैं, 50 minus x 3x x by 2 2 minus x plus 3x, इनिशियल प्रेशर ऑफ 50 mm बिकम्स 150 mm आफ्टर 10 मिनट्स, After 10 minutes, at say 227 degree Celsius, first order reaction है। अब reaction है first order की, first order reaction है, तुम्हें निकालना है इसके अंदर रेट क्या होगा एटमोस्फियर सेकंड इनवर्स में, मोलर सेकंड इनवर्स में, और रेट कॉन्स्टेंट की। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर टेम्परेचर कितना है? 227 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इनिशियल प्रेशर 50 mm था, आफ्टर 10 मिनट्स बिकम्स 150 mm, 150 हो जाता है, 150 हो जाता है एट 227 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तुम्हें रेट निकालना है एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में और मोलर सेकंड इनवर्स में, और साथ में निकालना रेट कांस्टेंट, करेंगे जल्दी ट्राई।
एक्सक्यूज मी सर, अर्जुन हो गया? यस सर। सर मैं क्लास लीव कर दूं सर, वो फिजिक्स का है क्लास। अच्छा सही सही, रिकॉर्डिंग डाल देना सर प्लीज, एक बार देख लो आंसर्स का। देखो इनिशियल 50 था, एक्स गया, 3x बनेगा, एक्स बाय टू बनेगा। अब 50 माइनस एक्स, 3x, एक्स बाय टू, ये आ गया। ये 10 मिनट के बाद है, 10 मिनट के बाद है ये। तो अब जो फाइनल प्रेशर है, 50 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस एक्स बाय टू, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 ना, ये 150 हो गया है, 150 हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 2x प्लस x बाय 2, 50 प्लस 5x बाय 2, ये माइनस कर देंगे 100, 100 इंटू 2 बाय 5, कितना आ रहा है x, घर निकाला क्या? हाँ सर 40। बिल्कुल सही है, सर 40 mm आ जाएगा। हाँ 40 mm आ गया। अब रेट क्या आ जाएगा यहाँ से, पहले 50 था, अब 50 माइनस x है, दोनों को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, यानी dx बाय dt। तो 40 बाय 760, 10 मिनट था, 10 × 60, ये रेट आ जाएगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में, ए सेकंड इनवर्स लिख रहा हूं मैं, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स में आ जाएगा ये। और रेट निकालना है अगर तुम्हें कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो सी इज टू पी बाय आर टी, पी की वैल्यू सेम ही आई, 40 बाय 760, आर की वैल्यू तुम्हें पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी दे रखा है 500 केल्विन, टी है 500 केल्विन। सॉल्व कर लेंगे, सी आ जाएगा, रेट आ जाएगा डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी रेट आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? रेट क्या आ जाएगा, डीसी बाई डी टी, क्या क्लियर है ये? गर्व, यस सर, अब उसके बाद एक जो फाइनल निकालना है, के रेट कांस्टेंट, कौन सा फॉर्म लगेगा रेट कांस्टेंट के लिए? सर 2.303 log ए नॉट बाय ए। हाँ बिल्कुल सही है, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ए अपॉन में ए माइनस एक्स, तो ये लग जाएगा इसमें के इज इक्वल टू बाय 10 लॉग ऑफ ए, ए कितना है 50 अपॉन में 50 माइनस 40, क्लियर हो गया कि नहीं? सर उधर डिनोमिनेटर में इंटू 60 भी तो आएगा। हाँ वो हाँ सही है, उसमें आ जाएगा, ये भी आंसर आएगा किसमें, मिनट इनवर्स में, है ना, ये इसको यूनिट लिखेंगे मिनट इनवर्स, अब जब तू कह रहा है ना उसमें आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स में, क्लियर है कि नहीं गर्व? यस सर। अभी अभी आंसर मिनट इनवर्स में आएगा। जीरो ऑर्डर के यूनिट्स क्या थी, मोलर टाइम इनवर्स, इसके लिए यूनिट क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मिनट इन टाइम इनवर्स सिर्फ, क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन?
यस सर। चलो एक बार एक क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी लिख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2SO2 प्लस ओ टू गिव्स 2SO3। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 200 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 200 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। वॉट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2? वॉट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2? क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? यस सर। जल्दी से करेंगे आंसर निकालेंगे इसका, लास्ट क्वेश्चन है। सर 100। 100 किसने निकाला ये? सर 100 नहीं आएगा, तो थोड़ा सा देख के कर इसको। सर 1.25। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो आंसर आया 200 ग्राम पर लीटर में है ना, पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल्स पर लीटर में। देखो 200 ग्राम पर लीटर है ना, ये 200 डिवाइडेड बाय SO3 का वेट 80, ये मोल्स पर सेकंड में आ जाएगा। अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ SO2, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं निकालना है, इज इक्वल टू -d/dt ऑफ O2, जो हमें निकालना है इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ SO3, जो कि 200/80 है, इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ SO3। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, बस माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ये। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, d/dt ऑफ, माइनस प्लस का वैसे कोई मीनिंग नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए। O2 इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ SO3। d/dt ऑफ SO3 की वैल्यू कितनी थी? 200/80। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 200/80 वैल्यू थी, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा d/dt ऑफ O2 का मोल्स पर लीटर, मोल्स पर सेकंड में, मोलर सेकंड इनवर्स में, मोलर सेकंड इनवर्स में। और ग्राम में निकालना है तो into 32 कर देना, ग्राम में निकालना है तो into 32 कर देना इसको। क्या क्लियर हो गया ये? तो 16, ये 216 5 आ गया, 200/5, तो आंसर आ जाएगा सीधा ये 40 आंसर आएगा ग्राम पर लीटर पर सेकंड, ये आंसर आएगा 40 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। क्या क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हमेशा ध्यान रखना मोलर टाइम इनवर्स में होना चाहिए या एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स में। तो ये मैंने दे रखा था तुम्हें ग्राम पर लीटर पर सेकंड में, इसलिए ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आंसर ग्राम। नहीं गर्व, हेमांग, क्लियर हो गया सर? अब ये आप और भी कराओगे? नहीं नहीं बस यही, बस ये छोड़ रहा हूँ क्लास। तीन क्वेश्चन कराए हैं, तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना ग्रुप पे डाल देना जरूर, PDF बनाकर। ये तीन क्वेश्चन कराए हैं, तीन क्वेश्चन जरूर कर लेना। नाइट में शायद 11th वालों की क्लास होगी, सही है? नाइट में शायद होगी, पक्का नहीं, कन्फर्म नहीं है मूल कंसेप्ट की। घर मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग। यस सर।